क्या आप अपने फोन की स्पीड से परेशान हैं और क्या आप अपने फोन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप अपने मोबाइल की या फिर अपने एंड्रॉइड डिवाइस की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस या फिर एंड्रॉइड मोबाइल की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कई बार होता है कि हम फोन को कम में ले रहे होते हैं, उस वक्त फोन हैंग हो जाता है या फिर गर्म हो जाता है। आखिर इससे कैसे बचा जाए, इसके का कई सारे कारण हैं, जैसे कि आप फोन में कई सारे अनवांटेड फाइल्स रखते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर, इन सब के कारण ही फोन हैंग होता है या फिर गर्म होता है। अब बात करते हैं ये आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने फोन की हैंगिंग प्रॉब्लम या फिर हीटिंग प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकते हैं। मान लो आपके पास कई सारे सॉफ्टवेयर जिन्हें आप कभी काम में नहीं लेते, यानी आपने वो सॉफ्टवेयर कई साल पहले फ़ोन में इंस्टॉल किए थे या फिर जब आपने फ़ोन लिया था उस वक्त उन फोन में आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे। शायद आपने उन्हें एक या दो बार मुश्किल से काम में लिया हुआ और वो अभी भी आपके स्मार्टफोन में वहीं पर स्पेस लिए हुए हैं। यानी कि जितने भी स्मार्टफोन में आपके जितने भी ऐप पड़े हैं वो सारे के सारे ऐप कुछ ना कुछ रैम या फिर स्टोरेज में जगह घेरते हैं या फिर आपकी बैटरी पर भी कुछ इम्पैक्ट आते हैं। इससे आपकी बैटरी गर्म होती है और जैसे ही रैम पर वो अपने कुछ डेटा लोड करते हैं ताकि आप उन्हें जल्दी ओपन कर सके, इसलिए वो अपना कुछ डेटा रैम पर भी अपलोड करते हैं। इस कारण फोन की स्पीड भी स्लो हो जाती है और बैटरी भी गर्म होती है। और दूसरी बात, कई सारे फाइल्स या फोटोज जिन्हें आप अपने स्मार्टफोन में रखते हैं, मान लो आपने ये फोटो कई महीने पहले खींची थी या फिर जब अपने स्मार्टफोन लिया था उस वक्त खींची थी, आप इन फोटोज़ को क्लाउड स्टोरेज में अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको गूगल फोटोज़ में अनलिमिटेड फोटोज़ बैकअप का ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ पर इन फोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन की स्पेस को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपकी कई सारी फाइल्स, जैसे कि आपकी कोई PDF फाइल हो गया या फिर कोई और फाइल हो गई, नहीं आप गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। आपको गूगल ड्राइव में 15 GB का स्पेस मिलता है, वहाँ पर आप अपनी सारी फाइलें स्टोर कर सकते हैं। इससे आपके फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, साथ ही साथ हैंग भी नहीं होगा और गर्म भी नहीं होगा। और अगली बात करते हैं आपकी स्मार्टफोन की नेटवर्किंग। मान लो आप किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर आपका जो नेटवर्क है वो ठीक से नहीं पहुँचता, इस कारण आपका फ़ोन हैंग होता है और इसकी बैटरी भी जल्दी जल जाती है। इसके लिए आप इस फोन में LTE मोड ऑन कर सकते हैं। इसके लिए आपको *#4737# डायल करने पर आपको वो LTE और वोल्टी ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप LTE चूज कर सकते हैं। इससे आपकी बैटरी बहुत स्लो डिस होगी। ये इन तरीके से आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि आप अपने स्मार्टफोन को हैंग होने से कैसे बचा सकते हैं, इसकी स्पेस कैसे बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ इसकी बैटरी को गर्म होने से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।